सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ्स। और अभी टाइम हुआ है 5:14, यू गाइज कैन सी 5:14। इट्स फ्रंट कैम तो अपोजिट दिख रहा है, तो इट्स 5:14 इन द इवनिंग। एक्चुअली मैं गया था करोल बाग सम स्टफ़ या कुछ काम से गया था। एक्चुअली मेरे थोड़ी मेडिकल प्रॉब्लम भी है, मैं वो भी दिखाने गया था। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे, काफ़ी टाइम से चल रही है, तो अभी जस्ट डॉक्टर के पास जाया हूँ। आज का कोई कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी जस्ट स्टार्ट करूँगा और थोड़ा रात को भी पढ़ लूँगा आज, तो इसलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज की पढ़ाई। आज का कोई भी चीज़ जो भी मतलब रहता है वो तो प्रॉपर एक कंटिन्यू वे में करना ही पड़ेगा। आज की स्टडी छुट्टी है तो वो मैं आज तो करूँगा। और एक्चुअली गाइस मैं बाहर का व्लॉग इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि बाहर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक स्टडी व्लॉग में लेना वो मुझे नहीं लगता एक प्रोडक्टिव तरीका है। तो अभी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को एक प्रॉपर वे में, वो मेरी स्टडी चल रही है। और अभी हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उससे पहले एक आप लोगों के लिए छोटा सा वो था कि हाँ मैं अभी एक स्टार्ट करने वाला हूँ टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, लाइक रिलेटेड टू यूपीएससी रिलेटेड ऑप्शनल करंट अफेयर्स, हाउ टू डू न्यूज़पेपर, लाइक दिस टाइप ऑफ स्टफ। और इनके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी और आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है इन फ्यूचर। प्लीज़ कंटिन्यू रखो अपना सपोर्ट और हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और एक नई सुबह एक न्यू एनर्जी के साथ। एक्चुअली मैं कल रात को पढ़ नहीं पाया, मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा मेडिकल इशू चल रहा है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। कल मैं डॉक्टर के पास भी गया था तो वहाँ से आके सीधा आप लोगों को थोड़ा सा वो घटना चक्र रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद मैं खाना खा के सो गया था। डायरेक्ट अभी उठा हूँ, अभी पहले जाऊँगा फ्रेश होऊंगा और फिर बर्ड्स आ गए होंगे उनको फीड कराना है, फिर खुद ब्रेकफास्ट करके वापस स्टडी टेबल पे जाना है। तो आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ आज का पूरा शेड्यूल कैसा रहने वाला है। तो यार देख लो, लास्ट 5 मंथ्स बचे हैं प्रीलिम्स के लिए और एक होता है ना एक स्पीड मोड ऑन करना पड़ेगा बिल्कुल, बहुत जल्दी जल्दी जितना पड़ा है रिविजन, प्लस उसमें मॉक टेस्ट भी लगाने होते हैं आपको और मॉक टेस्ट करके फिर वापस से एक रिविजन देना पड़ता है ना प्री के 1-2 महीने पहले, तो वो सब करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा आ गया है टाइम टू टेस्ट माई सेल्फ, है ना, जितना मैंने पढ़ा है वो सब। तो आई होप यू गाइस आर गोइंग टू इन्जॉय इट वेरी वेल। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज घटना चक्कर करेंगे, हिस्ट्री करेंगे, पॉलिटी करेंगे, घटना चक्कर से दोनों। और यार देखो मैं ना लाइक मैं जो पढ़ता हूँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसी तरह नहीं करता। सम पीपल आर यूज टू सिट 5-10 फीट कैमरा से दूर बैठ जाते हैं, वो क्या पढ़ रहे होते हैं क्या नहीं पढ़ रहे होते हैं कुछ पता नहीं चलता है। एटलीस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चाहे आप लोग ये सोचते हो कि हर एक वीडियो में, हर 5 वीडियो में, हर 6 वीडियो में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा, भाई मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं दिखाता हूँ कि कुछ भी दिखा रहा हूँ, जस्ट वीडियो बना रहा हूँ एंड एंजॉय कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ जो पढ़ता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ बस, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो लोग ऐसे 10-15 फीट दूर उनका कैमरा होगा, वो क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, डोंट नो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरी जो ऑडियंस है मैं उनको रियल दिखाऊँ, जो रो क्लिप्स हैं वो दिखाऊँ, ना कि फेक दिखाऊँ, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा वो लोग फेक दिखा रहे हैं, बट डोंट नो क्या है देनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक अच्छा सा शेड्यूल रहेगा वो भी, और पहले फ्रेश अप हो जाता हूँ फिर बर्ड्स को फीड कराना। सो तो ये बाजरे के दाने हैं छोटे छोटे, ये खा लेंगे ये सीधे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये फेंक देता हूँ यहाँ पे, आ जाएंगे वो, अभी आए नहीं है। अभी आ जाएंगे ये ऊपर से,
यहाँ पे देखो कितना ब्लू स्काई है। एक तो वो वहाँ पे बैठा है, अभी आएगा वो खाने। आ जाते हैं, आसपास से बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे पिजन्स, मोर नहीं है आज यहाँ पे। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, इनके लिए डाल दिया है तो अपना भी कुछ खा लेते फिर पढ़ने जाएंगे। सो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी टाइम है पढ़ने का। तो अभी रूम करते हैं बंद और पढ़ना करते हैं स्टार्ट, अभी टाइम लग गया है। और थोड़ा सा वेल प्लान वे से पढ़ेंगे, है ना, आप लोगों को भी थोड़ा पसंद आएगा। दिखाता हूँ मैं, करूँगा घटना चक्र हिस्ट्री और पॉलिटी की, उसमें से करूँगा क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के जितने रहेंगे वो प्रैक्टिस करूँगा और वो मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना मेरा क्वेश्चंस को करने का आइडिया भी थोड़ा कम है, तो वो मेरे हो जाएंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा। कि मैं आगे जाके थोड़ा सा टेस्ट सीरीज वगैरह करूँगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा और उसमें अच्छा स्कोर कर पाऊँगा मैं। तो चलिए अभी हिस्ट्री की घटना चक्र स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक्स मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ आप लोगों को, ये पॉलिटी के लिए घटना चक्र है, ये इमोमेंट के लिए घटना चक्र है और ये हिस्ट्री के लिए घटना चक्र है। ये मैंने दिखाई नहीं थी, ये थोड़ी सी बल्की है इन दोनों से, और क्योंकि इसमें कंटेंट भी ज़्यादा है तो अभी इसको स्टार्ट करूँगा। इसको जल्दी से ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी से इसके सारे क्वेश्चन पुट अप करने हैं, जिस हिसाब से मेरा स्कोर रहता है वो भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। तो चलिए अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't finally I reached land religion and my heart's back to be started. मेरा आगे करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। 65 साढ़े 3 घंटे से गर्म आ गया हूँ बैठे बैठे अंदर तक। बॉडी बोल रही है उठो, वो नहीं कर सकते चैप्टर्स। पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे ये लास्ट ईयर के, आप देख सकते हो। ये मैं जो भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा होता है ना उसको मार्क कर लेता हूँ पेन के साथ। ये ब्लैक पेन आई तो ये मैंने किए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी हैं बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपको हिला सकते हैं अंदर तक, है ना। तो आप लोग देख सकते हो, इन महायान बुद्धिज्म दा बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज दिस वन। ये बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, मतलब ये इसमें जो क्वेश्चंस लास्ट सीएस में पूछे गए हैं एनी ऑफ द स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, हर कोई क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आप, ये मेरा थोड़ा पुराना वो बुक है, थोड़ा सा लास्ट ये लगा लो 2020 वर्जन है शायद ये,
तो थोड़ा न्यू बुक लोगे तो रिसेंट ट्रेंड के भी क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग इससे कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है। मैं अभी इससे रिवीजन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करूँगा हिस्ट्री के। विजन IAS के मॉक टेस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं, तो अभी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं एंड मिलते हैं आपको पॉलिटी के घटनाचक्र रिवीजन में। सो चलिए अभी इसको ख़त्म करते देख हैं। रहे हो 3.5 घंटे बैठ के कैसी हालत हो जाती है, जैसे 4 दिन से नींद आया हूँ ऐसा हो गया हूँ मैं सुबह से। और आप लोगों को लगता होगा कि हाँ दे पीपल यूज टू बी लाइक कि हाँ चलो नॉर्मली हो गया बैठ गए, भाई 4 घंटे 3 घंटे बैठने में ना कलेजा चाहिए, हिल जाता है अंदर से, वो भी पढ़ने के लिए। वैसे बैठ सकता है इंसान, मोबाइल यूज़ करना, ये सब एक्टिविटीज़ कर लेता है, क्योंकि माइंड उस तरीके का आपका उस तरीके के मोमेंट में रहता है। और एकदम से अगर आप काफ़ी टाइम से स्टडीज से दूर हो और एकदम से आपको पढ़ना पड़ गया और 3 घंटे आप बैठने की सोच रहे हो, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला, इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है स्टार्टिंग में, तो है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, अगर कोई लॉन्ग आवर्स नहीं बैठ के पढ़ सकता ना, एक पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक, देन कॉन्टिन्यूसली इस टाइप का कुछ एक साइकिल रहता है। तो वो लोग आप लोग सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे, पोमोडोरो टेक्निक, उससे आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग चेक कर सकते हो यूट्यूब पे जाके पोमोडोरो टेक्निक, उससे आपकी ना वो एक रूटीन बना देगी, धीरे 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 आपकी स्टडी टाइम बढ़ता जाएगा और उससे आपके एक रेगुलर फ्लो आ जाएगा पढ़ने में। तो अभी एक ब्रेक लिया है और इसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूँगा। एक्चुअली पॉलिटी के क्वेश्चंस जो एक तरफ से घटना चक्र में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वही कर रहा हूँ, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द पॉलिटी रिवीजन, अच्छे से हो जाएगा यार, ये कंटिन्यू करूँगा तो मैं, है ना। तो इसका चैप्टर है स्टार्टिंग वाला, ये सेम एज जैसे लक्ष्मीकांत का पैटर्न है ना, उसी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे शायद इसके चैप्टर्स कंपाइल होंगे आई थिंक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यस काइंड ऑफ सेम है, सेम है, सेम है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है ना उसमें लक्ष्मीकांत पॉलिटी में वो है। और ये क्वेश्चंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश अंडर, इसमें जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का या कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम का, वो पूरा कवर इसमें होगा। ये पूरा चैप्टर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का रहेगा, जितने भी लास्ट ईयर में या IAS प्री में आया, IAS प्री 2007-99-1993, ये MPPCS में आया 2000-2012 में, UPPCS में आया 993-1993, सॉरी एक्चुअली क्या बोल रहा हूँ यार मैं, छत्तीसगढ़ PCS प्री में आया 2005 में, IAS प्री में आया 2002 में, और UPPCS में आया 2011 में। तो ये लगभग वही है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, 88 88 103, और ये नेक्स्ट चैप्टर यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी हिसाब से है। तो अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, सो इसको पढ़ते हैं। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid.
wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. तो प्रियंबल तक आज का कंप्लीट हुआ है मेरा, और प्रियंबल तक हो गया है क्योंकि उसमें टोटली वो थोड़ा सा कुछ मैचिंग मैचिंग सा होता है ना लास्ट का, कि आप स्टार्टिंग में हिस्ट्री से लेके आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रियंबल आगे, फिर फंडामेंटल राइट्स आएंगे, तो वही सब है इसमें। और इसके क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि समझना भी पड़ता है, फिर उसकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के नीचे दे रखी होती है इसमें एक्सप्लेनेशन, और स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट बताए हुए होते हैं, और ये काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया जाता है इन चीज़ों को भी इस बुक में। मैंने ये एक चीज़ देखी है इस बुक में कि क्रिस्प जिसको चाहिए ना, कि बिल्कुल क्रिस्पी चीज़ें, कि एकदम से पॉइंटेड चीज़ें, वो चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और मतलब स्टेट पीसीएस के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई चीज़ होगी, सीरियसली। आप लोग आँख बंद करके यूज़ कर सकते हो, दो तीन बार इसको रिवाइज कर लो, आपका स्टेट पीसीएस तो ऐसे ही निकल जाएगा इससे करने से, मतलब पॉलिटी के लिए बोल रहा हूँ, पॉलिटी के क्वेश्चंस उसमें हो जाएंगे। तो आज के लिए फिर मैं इसको यहीं पे रखता हूँ, तो पॉलिटी ओवर, इट्स एंड फॉर टुडेज टारगेट। आज मैंने जितना टारगेट किया था उसका लगभग 95% मैंने कर लिया है ना। मैं कभी हास मतलब घंटों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता हूँ, मैं हमेशा टारगेट लेके चलता हूँ कि आज मुझे इतना करना है। आज मैंने सोचा था कि मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी का रिवीजन करना है लास्ट ईयर का घंटा चक्कर के क्वेश्चन से, वो मैं ऑलरेडी कर चुका और आप लोगों को भी दिखा दिया है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बनी है, तो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी अच्छी है, हेल्पफुल रहेगी। और पीछे के बैकग्राउंड में मत जाना यार, बॉयज़ का रूम ऐसे ही रहता है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी सजेशन चाहिए या कोई भी कुछ भी पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो कुछ भी, एंड डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लिंक दिया हुआ है चैनल के बायो में। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ स्टे सेफ गाइस, टेक केयर, बाय बाय।